तो दोस्तों आज हम डिजिटल नाप तोल की जो मशीन होती है उसे हम ठीक करके देखेंगे। इसके अंदर एक जनरली प्रॉब्लम आ जाती है कि इसके जो डिजिटल नंबर होते हैं वो हमें कभी कभी पूरे दिखाई नहीं देते हैं, आधे ही दिखाई देते हैं। ये प्रॉब्लम कैसे आती है, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, चलिए जल्दी से हम इसे इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्ट करते हैं। ये हमने कनेक्ट कर दिया, पावर ऑन हो गया, इसका हम स्विच ऑन करके देखते हैं। मशीन का जो नॉर्मली स्विच है हमने ऑन किया है, उसके बाद में इसकी जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस हो रही होगी, आप देख रहे होंगे। इसमें कोई भी नंबर है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्या पता क्या चल रहा है इसमें, क्यों, क्योंकि इसकी जो डिजिट हैं वो थोड़े डिफेक्टिव हो गए हैं, सही से नहीं चल रहे हैं। जैसे जीरो है तो जीरो पूरा नहीं आ रहा है। अब ये जो लबजब हो रहा है ये तो केवल कैमरा सिस्टम सेट के अंदर है, जो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं कि फास्टली लबजब जो करता है और कैमरे से दिखाई देता है वो है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये डिजिट है पूरा नहीं आ रहा है, जैसे हम इसके ऊपर कुछ वेट डाल रहे हैं तो अंक है वो पूरे नहीं आ रहे हैं, जैसे हमने कुछ भी ये अंदर ऊपर रख दिया है तो भी अंक पूरे नहीं आ रहे हैं, नीचे से कटे हुए आ रहे हैं। ये कैसे हम ठीक कर सकते हैं घर बैठे, तो घर बैठे इसे ठीक करने के लिए बिल्कुल सिंपल, कुछ करना नहीं, इसमें एक रुपया लगेगा नहीं, हमें मशीन खोलनी है और बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। बस हमें क्या करना है इसके लिए मैं बिल्कुल एक सिंपल ट्रिक देता हूँ आपको। तो हमें सबसे पहले मशीन का जो पावर वगैरह है उसे ऑफ कर देना है और फिर इसको पूरा मशीन को हमें खोल लेना है। ये हमने मशीन को खोल लिया है ऊपर से इसके दो स्क्रू लगे हुए होते हैं इसमें, तो इसको हमने ये खोल लिए हैं और ये इसका पैनल है वो भी खुल चुका है। तो हमें अब इसको क्या करना है, इसको पलटना है। पलटने पर हमें इसके चार स्क्रू दिखेंगे, एक दो और ये तीन और ये चार, हमें इन चारों को खोलना है। तो हमें कोई भी अपने घर में जो टूल्स हो उसे लेके इन चारों स्क्रू को ओपन कर लेना है। तो ये चारों ओपन हो चुके हैं, फिर हमें इस मशीन को धीरे से उठाना है और साथ में पीछे वाला भाग है उसे भी उठाना है। फिर हमें धीरे से इसको ऐसे करना है, तो हमें अंदर के पार्ट्स दिखाई देने शुरू होंगे। इसको बस ज़्यादा नहीं खोलना है, यहाँ तक खोलना है। यहाँ तक खोलने पर हम देखेंगे इसमें, तो इसमें बहुत सारी हमें केबल वगैरह दिखाई दे रही, तो हमें कौन सी केबल की प्रॉब्लम हो रही है वो देखनी है। वो प्रॉब्लम ये है कि इसका डिस्प्ले, देखिए इसके आगे पर मैं बताता हूँ आपको कि जो डिस्प्ले होता है एक यहाँ होता है और एक यहाँ पीछे होता है ये वाला। तो ये डिस्प्ले है, इसकी जो मेन केबल है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें क्या करना है कि बस इस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए इस केबल को ठीक करना है। तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताता हूँ मैं आपको कि ये जो केबल है इसको हमें ऐसे धीरे से खोल लेना है ऐसे, और इसको खोलने के बाद में इसको ऐसे बिल्कुल ही सही करना, और हमारे पास में कोई भी एक न्यूज़पेपर हो ऐसा सिंपली न्यूज़पेपर, इस न्यूज़पेपर को ऐसे यहाँ पे ऐसे करके लगा लेना। लगा के हमें तो घर में कोई हेयर बैंड या रबर बैंड कोई भी है तो उसको हमें इस पर ऐसे लगाना है। तक ये हिल नहीं, थोड़ा टाइट हो जाए, तो ये क्या है कि थोड़ा केबल सही से हो गया और टाइट हो गया। फिर हमें इसको यहाँ पर वापस जैसे था वैसे का वैसे ही इसमें प्लंगिंग कर देना है। ये हमने इसको ऐसा का वैसे ही प्लंगिंग कर दिया। ये प्लंगिंग होने के बाद में हमें इसको बिल्कुल ही धीरे से वापिस इसको बंद कर दें।
पलट देना है और बंद करके पलट के इसको सही से वापस सेट करना है। चारों स्क्रू जो हैं वो हमें लगा देंगे इसके। लग चुके हैं, ये हमने मशीन को वापस सीधा कर सिर्फ अब हम इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी वापस से लगा लेते हैं। हमने ये लगा लिया, ये हमने ऊपर इसके ऊपर लगा लिया वापस इसका ढक्कन। अब देखते हैं, देखें कि इसको ऑन करके, इसका पावर ऑन हो चुका है, अब हम इसको ऑन करते हैं, देखते हैं, देखें कि इसका जो डिस्प्ले है वो राइट से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि जिस मैंने रखा है तो ये इसका पूरा का पूरा ऑन है, वो इसमें सही से शो हो रहा है। Right now, and press the bell icon. Never miss an update.